भारत के स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर पर आपका स्वागत है। पुलिकट झील के किनारे ये बेलन आकार का टापू भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। SDS ईशा अब पूरी तरह से PSLV C-41 INSS-1I मिशन के लिए तैयार है। प्रक्षेपित होने के पश्चात यह 1.4 टन वजनी INSS-1I नेविगेशन सैटेलाइट INSS या नाविक समूह जो पहले से ही ध्रुवीय कक्षा में मौजूद है उसका नवीनतम सदस्य बनेगा। यह प्रक्षेपण SDSC के प्रथम लॉन्च पैड से होगा। इस लॉन्च पैड का निर्माण मुख्यतः PSLV यानों को प्रक्षेपित करने के उद्देश्य से किया गया था। यह लॉन्च पैड पैड पर ही समायोजन की संकल्पना पर आधारित है। यहाँ यान के विभिन्न चरणों को एक के ऊपर एक लॉन्च पैड पर ही समायोजित किया जाता है। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाली लॉन्च व्हीकल प्रणाली है। यह 44 मीटर लंबा, 2.8 मीटर चौड़ा और करीब 320 टन का भार उठाने की क्षमता रखने वाला रॉकेट है। यह 1.60 टन के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में और 1.4 टन सैटेलाइट को सब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। आइए रॉकेट असेंबली के कुछ चरणों को नजदीकी से देखते हैं। सबसे पहले PS-1 यानी कोर स्टेज को समायोजित किया जाता है। PSLV के प्रथम चरण में S-139 सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग होता है। यह 20 मीटर लंबी स्टेज में लगभग 138 टन ठोस ईंधन होता है। जरूरी मात्रा में उड़ान बल उत्पन्न करने के लिए PSLV यान के एक्सेल प्रारूप में कोर स्टेज पर 6 विशाल स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाए जाते हैं। हर एक बूस्टर की लंबाई 12 मीटर और इनमें 12 टन का ठोस ईंधन यानी सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है। कोर स्टेज के ऊपर 12.8 मीटर लंबा द्वितीय चरण PS-2 लगाया जाता है। यह चरण 42 टन धरती पर संग्रहित किए जा सकने वाले तरल ईंधन का उपयोग करता है। इसमें इसरो का सिद्ध किया हुआ विकास इंजन है। 3.6 मीटर लंबा तीसरा चरण लगभग 7.6 टन ठोस ईंधन का उपयोग करता है। इसकी सॉलिड रॉकेट मोटर प्रक्षेपण को वायुमंडलीय अवस्था के बाद अधिक उड़ान बल प्रदान करती है। यान के सबसे ऊपर वाले चरण में 2 लिक्विड इंजन्स होते हैं। यह 3 मीटर लंबा चौथा चरण जिसे PS-4 कहा जाता है 2.5 टन धरती पर संग्रहित किया जा सकने वाला तरल ईंधन का उपयोग करता है। PS-4 के ऊपर पेलोड फेयरिंग जुड़ा होता है जिसमें सैटेलाइट को रखा जाता है। हर एक प्रक्षेपण को साकार करना अपने आप में एक अत्यंत कठिन कार्य है जो कई प्रकार की तकनीकी और व्यवस्थापक चुनौतियां प्रदान करता है। इन सब का सामना करने के लिए इसरो ने विगत वर्षों में स्वदेशी उद्योगों का एक स्वस्थ वातावरण विकसित किया है। यह उद्योग रॉकेट के अनेक महत्वपूर्ण कल पुर्जों का निर्माण करके एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। PSLV श्रृंखला की यह 43वीं उड़ान है। कोर स्टेज के प्रज्वलित होते ही यह एक्सल प्रारूप वाला लॉन्च व्हीकल उड़ान भरेगा। इसके तुरंत बाद 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स दो देकर प्रज्वलित उड़ान के लगभग 70 सेकंड बाद और करीब 30.6 किलोमीटर Thank you.
ऑर्बिट में स्थापित हो जाए, जिसकी पेरिजी लगभग 284 किलोमीटर और एपोजी लगभग 20,650 किलोमीटर है। प्रारंभिक कक्षा प्रबंधन IRNSS 1 IRNSS समूह में शामिल हो जाए और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करें। अपने पूर्ववर्तियों के समय IRNSS 1 आई में दो प्रकार के मॉड्यूल, एक नेविगेशन पे और दूसरा रेंजिंग पे। नेविगेशन पे क्षेत्र और इसकी सीमाओं से लगभग 1500 किलोमीटर तक 20 मीटर से बेहतर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है। नाविक से प्राप्त होने वाली नौवाहन सेवाएं आम जनता एवं विशेष उपयोगकर्ताओं जैसे रेलवे, हवाई, समुद्री ऑपरेटर, स्ट्रेटेजिक